कि IMF का क्या है कि पाकिस्तान को बैंकरप्ट करने के बावजूद भी मुश्किल फैसले आप लोग लेते हैं। बैंक क्या पाकिस्तान को बैंकरप्ट करेंगे क्या इस वक्त हमारे पास? ये बड़ा सोचें ये बात को कि आपको अगले साल आप लोग अपनी सियासत लूज करते रहेंगे, वोट लूज करते रहेंगे, हल्के लूज करते रहेंगे, लेकिन मुश्किल फैसले लेते रहेंगे। क्या मसला इसमें? इसमें मतलब इसमें इसमें ताज्जुब की क्या बात है? मतलब इसमें हैरत की क्या बात है? मतलब अगर एक हुकूमत चले जाती है, एक इलेक्शन हार जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान को कुर्बान कर देंगे इसके लिए? एक इलेक्शन हार गए तो क्या बड़ी बात है? 5 साल अपोजिशन में बैठने में कोई मौत आ जाएगी? मतलब ये कौन सी अजीब बात है? ये कोई एहसान थोड़ी कर रहे हैं। अगर आज मिफ्ता इस्माइल यहाँ पे बैठा है, अगर दुनिया में थोड़ी सी कहीं जाता है और कोई अच्छी तरह मिलता है, तो पाकिस्तान का वजीर खजाना इसीलिए ना, पाकिस्तान ने मुझे इज्जत दी है ना ये, तो अगर पाकिस्तान की खातिर में पाकिस्तान को दिवालियापन से बचाने के लिए अगर कोई एक इलेक्शन हार जाऊं तो दफा करें यार ऐसे इलेक्शन को। अभी इनको एक तो इनको अभी इनको रियलिटी जो है ना ये उसको कर नहीं रहे। मसलन IMF डील है, अभी पंजाब और KP कह दे कि हम इस डील में साथ नहीं है आपके, तो मुझे आप बताएं IMF से डील लेके दिखा दें हमें, क्योंकि जो डील है वो बेस इस पे कर रही है कि पंजाब और KP जो है वो इतना पैसा जो है वो वफाक को जी, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। और आप पंजाब कह सकता है 100% कह सकता है और कहेगा और बिल्कुल कहेगा, ये इस तरह नहीं होगा। देखिए आपको इलेक्शन कराने पड़ने, इसके अलावा इनके पास ऑप्शंस बड़ी कम है। हम अभी तक बड़ा बर्दाश्त कर रहे हैं, आपने एक बिल्कुल घटिया केस किया है इमरान खान के ऊपर।